नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन गंगा के YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। ब्रेकिंग न्यूज, प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 नोटिफिकेशन की जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। इसके अलावा 52,000 पदों पर नई भर्ती शासनादेश जारी, TGT PGT में कितना समय, सटीक जानकारी आपको दी जाएगी और लगभग 10,000 पदों पर LT ग्रेड नोटिफिकेशन और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को मंजूरी से संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रमाणिक और विश्वसनीय जानकारी दी जाती है, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, जूनियर शिक्षक भर्ती हो, TGT, PGT या उच्च शिक्षा से संबंधित कोई भी भर्ती हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, JRF इत्यादि कोई भी वैकेंसी हो, उसके बारे में आपको सटीक जानकारी यहाँ पर दी जाती है। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 के नोटिफिकेशन को लेकर। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन कब तक जारी हो जाएगा, इसको लेकर काफ़ी छात्र परेशान हैं कि कब तक ये विज्ञापन जारी होगा। हालांकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद में कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आ पाई, और लगभग 5 वर्ष हो रहे हैं, 5 वर्ष तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, काफ़ी लंबा समय बीत चुका है और काफ़ी अभ्यर्थी निराश भी हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ओवरएज हो रहे हैं, जो ओवरएज नहीं हो रहे हैं, यदि 5-5 साल में भर्ती आएगी तो पूरे जीवन काल में उनको 1 से 2 भर्ती ही मिल पाएगी। तो सभी परेशान हैं कि कब ये नोटिफिकेशन जारी होगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। तो यदि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करें तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। हालांकि अभी चयन आयोग का गठन नहीं हुआ है, कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन इसकी घोषणा कर दी गई है। और अभी जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई। तो ऐसी पूरी संभावना है कि नेक्स्ट जो कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें कोई जानकारी मिल सकती है, या बहुत जल्द ये आयोग का गठन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है। तो ये तो बात रही आयोग के गठन को लेकर। आयोग का गठन तो होगा ही, निश्चित है, क्योंकि इसकी घोषणा कर दी गई है। और ये भी निश्चित हो गया है कि अब आपकी जो भी प्राथमिक भर्ती होगी वो नए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से ही होगी। और इसी प्रकार से चाहे वो माध्यमिक स्तर की शिक्षक भर्तियां हो, TGT, PGT, वो भी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही होगी। लेकिन ये नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेंगे, कब तक ज़मीनी स्तर पर काम देखने को मिलेगा, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो यदि बात करें प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो देखिएगा, जैसे ही नई शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन होता है, जिसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और उसके बाद में सबसे पहले यदि कोई नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसकी पूरी प्रबल संभावना है, उसमें 2 नोटिफिकेशन ऐसे हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। एक परीक्षा आपको देखने को मिलेगी और एक आपको नया विज्ञापन देखने को मिलेगा TET को लेकर। देखिएगा, सबसे पहले आपका जो TET है उसकी परीक्षा होगी, और TET के बाद में सुपर टेट के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। तो आप ये समझिएगा कि सुपर टेट से पहले निश्चित ही आपका पहले TET की परीक्षा होगी। और यदि बात करें एग्ज़ाम की, तो जो TGT का एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम सबसे पहले देखने को मिलेगा, क्योंकि उसकी पूरी संभावना इसलिए है क्योंकि उसके लिए आवेदन लिए जा चुके हैं, पहले से फॉर्म भरे जा चुके हैं, इसलिए वो परीक्षा पहले ली जाएगी। लेकिन कब तक वो परीक्षा होगी उसकी भी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। और डेली आप नई नई खबरें देखते होंगे कि परीक्षा तब होगी, परीक्षा में इतना समय है, परीक्षा में इतना समय है, लेकिन यहाँ पर आपको सटीक जानकारी दी जाएगी कि लगभग कितना समय इसमें लग सकता है आपकी परीक्षा में।
जिससे कि आप अपनी तैयारी को थोड़ा बूस्ट कर सकें और परीक्षा की सही से आप तैयारी कर सकें। लेकिन चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या टीजीटी पीजीटी हो, जितने भी अभ्यर्थी हैं केवल इस बात पे फोकस किए हुए हैं कि परीक्षा कब होगी या नोटिफिकेशन कब आएगा। इसको आप में आपको ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि अब ये निश्चित है, नए चयन बोर्ड का गठन हुआ है तो नोटिफिकेशन भी ज़रूर आएगा और परीक्षा भी ज़रूर होगी, लेकिन थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, लेकिन होना निश्चित है। तो सबसे ज़रूरी जो है वो ये है कि आप अपनी तैयारी में लग जाइएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो तैयारी में जुटे हुए हैं, निरंतर अभ्यासरत है, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि वो वेट कर रहे हैं कि कब नोटिफिकेशन जारी होगा, कब मैं तैयारी करूँगा। तो नोटिफिकेशन आने के बाद यदि आप तैयारी करेंगे तो उतनी तैयारी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी तगड़ा है, आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि परीक्षा की तैयारी में आप लग जाइएगा अभी से पूरी मेहनत के साथ, क्योंकि थोड़ा आगे पीछे नोटिफिकेशन हो सकता है लेकिन जारी ज़रूर होगा, परीक्षा आपकी ज़रूर होगी। तो ये तो बात रही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। तो पहले टीईटी की परीक्षा आपको देखने को मिलेगी, उसके बाद में सुपर टीईटी, लेकिन आप अपनी तैयारी निरंतर करते रहिएगा, क्योंकि निरंतर यदि आप तैयारी करेंगे तो आपका चयन होने की संभावना प्रबल होगी। लेकिन यदि आप ऐसा समझते हैं कि नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद में एग्ज़ाम डेट जारी होगी, तब आप तैयारी करेंगे तो आप क्लियर कर पाएंगे, तो उतना आसान ये परीक्षा नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूरा जन सैलाब है शिक्षक भर्ती के लिए और काफ़ी तगड़ा कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद में बात करते हैं 52,000 पदों पर नई भर्ती शासनादेश जारी। तो देखिएगा, काफ़ी पदों पर, लगभग 52,000 पदों पर एक नई भर्ती को लेकर शासनादेश जारी किया गया है और ये भर्ती होगी आंगनबाड़ी की, आंगनबाड़ी से संबंधित ये भर्ती है, जिसके लिए इससे पहला जो वीडियो बनाया गया है उसमें जानकारी दी गई है, उसको आप जाके देख सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन चैनल पर डाला हुआ है, पूरा डिटेल से आपको बताया गया है क्या उसमें आयु है, कितना उसमें वेतन है, क्या उसकी भर्ती की प्रक्रिया है और आपकी आयु से संबंधित जानकारी या जो भी डिटेल है, मेरिट आपकी किस प्रकार से बनाई जाएगी, वो तमाम जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो चैनल पे आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और ये भी एक सुनहरा अवसर है खासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि ये एक बड़ी भर्ती है और अपने क्षेत्र में ही, अपने एरिया में ही आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि पूरे राज्य में 75 ज़िलों में ये भर्ती निकाली जाएगी, हर डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी होगी और जहां आप, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है आपके गृह डिस्ट्रिक्ट में ही और आपके एरिया में ही आपको इसमें पोस्टिंग मिल जाएगी। तो इसमें भर्ती होना आसान भी है, हालांकि पूरी प्रक्रिया से इसमें भी गुजरना होगा, लेकिन सुनहरा अवसर है आपके लिए यदि आप ये जॉब पाना चाहते हैं। तो इसमें भी आने वाले समय में नोटिफिकेशन जारी होगा और ये भर्तियां निकाली जाएगी। अभी केवल शासनादेश जारी हुआ है, इसके बाद में जो विभाग है, विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होगा और आपकी जो प्रक्रिया है वो चालू होगी। तो ये बात रही आंगनवाड़ी से संबंधित जो भर्ती है। इसके बाद में बात करते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती में कितना समय लग सकता है, इसकी सटीक जानकारी। तो देखिएगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अब ध्वस्त हो चुका है, वहाँ से अब आपकी भर्ती नहीं होगी, वहाँ से अब आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही आपकी परीक्षा होगी। और आपकी परीक्षा में कितना समय लग सकता है, पहले चयन बोर्ड का गठन होगा, कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी, फिर गठन होगा और उसमें मेंबर्स आएंगे। इस प्रक्रिया में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, ऐसा लगता है कि काफ़ी तेज़ी से ये काम होगा और ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा, बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। और उसके बाद में, क्योंकि टीजीटी के लिए पहले ही आवेदन लिए जा चुके हैं, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो आप समझ के चलिएगा 3 से 4 महीने के अंदर ये परीक्षा संपन्न करा ली जाएगी, ऐसी पूरी संभावना है। हालांकि यदि पोर्टल भी खोला जाता है, पदों की संख्या बढ़ाई जाती है, तो भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा और 3 से 4 महीने के अंदर
ये आपकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, ये परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी, ऐसी पूरी संभावना है। तो आप मानकर चलिएगा कि यदि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो लगभग 3 से 4 महीने का समय आपके पास है, आप तैयारी कर सकते हैं, अभी से आप तैयारी कर सकते हैं। और जिसने जो निरंतर तैयारी कर रहा है वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो अभी इतना समय आपके पास है। इसके बाद में जैसे ही चयन बोर्ड का गठन होगा और एकदम से डेट जारी होगी, फिर आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। और तो यही जानकारी थी इस बारे में कि आप अपनी तैयारी को निरंतर करते रहिएगा, क्योंकि डेट घोषित होने के बाद आप ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाएंगे, फिर तो आपको केवल प्रैक्टिस ही करनी है। तो अपनी तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप तैयारी कर सकते हैं। और इतना समय लगेगा ऐसी संभावना है, क्योंकि चयन बोर्ड का अभी गठन होना भी बाकी है, उसमें मेंबर्स आएंगे, फिर परीक्षा की तिथि जारी होगी और एग्ज़ाम होगा, तो 3 से 4 महीने का समय इसमें लग जाएगा, ऐसी संभावना है। हालांकि इससे जल्दी भी हो सकता है, ये कोई ऑफिशियल जानकारी आने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि इतना समय लगेगा। तो इसके बाद में बात करते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। लगभग 10,000 पदों पर एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की जो भर्ती होनी है, इसका भी समकक्ष योग्यता को लेकर काफ़ी लंबे समय से ये अटकी हुई है। और इस भर्ती का इंतज़ार करते करते लगभग 5 वर्ष हो गए हैं और ये भर्ती अभी तक नहीं आई है। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती भी अब आपको नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से देखने को मिलेगी, और इसकी भी पूरी संभावना है कि जैसे ही चयन बोर्ड का गठन होगा ये नोटिफिकेशन भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को मंजूरी को लेकर जो जानकारी है वो यह है कि इसकी घोषणा हो चुकी है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा, लेकिन अभी इसको मंजूरी नहीं मिली है, कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है। और ऐसी पूरी संभावना है कि जल्द ही इसको मंजूरी मिलेगी और जल्द ही नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आपको देखने को मिलेगा। और ये तमाम भर्तियाँ जो लंबित पड़ी हैं या जिनके नोटिफिकेशन आने बाकी हैं, वो तमाम भर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। और जो परीक्षाएं रुकी हुई हैं वो परीक्षाएं होंगी, जो रिजल्ट रुके हुए हैं वो रिजल्ट भी आपको जल्द देखने को मिलेंगे। तो बस यही जानकारी थी, शिक्षक भर्ती से संबंधित तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी गई। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।